एक भाई ने सवाल किया है सारी हदीसें ज़ईफ़ है तो फिर हम कौन सी हदीस पर अमल करें, ज़ईफ़ और सही हदीस क्या फर्क है? सवाल थोड़ा अजीब है, जब सारी हदीसें ज़ईफ़ है तो हम कौन सी, तो बचा क्या थे? जब सारी हदीसें ज़ईफ़ है तो फिर कौन सी हदीस बचती नहीं, फिर हदीस जो भी आएगी ज़ईफ़ होगी, फिर कौन सी हदीस पे अमल करें? यहां बात यही है कि ज़ईफ़ हदीस कौन सी होती है, पहले तो ये कि ज़ईफ़ हदीस कहते किसको है। जो हदीस सही या हसन ना हो वो ज़ईफ़ होती है। सही या हसन कौन सी होती है? वो हदीस इब्न कथीर ने अपने अपनी किताब में और मुतअद्दिद उलमा ने जो भी मुस्तलहुल हदीस में किताबें लिखी हैं उन्होंने पांच बातें हदीस के ताल्लुक से कही हैं कि अगर किसी हदीस में ये पांच बातें हों तो वह हदीस सही होती है, और अगर ये पांच बातें ना हो तो वह हदीस सही नहीं होती है। इनमें से अगर कोई एक बात भी ना हो तो हदीस सही होने से गिर जाती है। वो पांच बातें क्या हैं? नंबर एक, उस हदीस की सनद मुत्तसिल हो, सनद जुड़ी हो, हर हदीस के हम तक पहुंचाने वाले, मुहद्दिस तक पहुंचाने वाले जिसने किताब में लिख दिया, उन पहुंचाने वालों का सिलसिला जुड़ा हुआ हो, ऐसा ना हो कि उनमें कोई मिला ही नहीं उससे और उसके नाम से हदीस बता रहा है, तो ऐसा ना हो, सनद जुड़ी हुई हो। अब ये एक लंबी बात है जो इतनी छोटी जो है थोड़े वक्त में मैं पूरी बात नहीं समझा सकता हूं, उलमा से रुजू करें, लेकिन इख्तिसारन फिर भी मैं बता रहा हूं इसलिए कि पूछा गया है। सनद जुड़ी हुई हो, रावियों का सिलसिला कटा फटा ना हो बल्कि हर एक का आपस में मिलना या कम से कम हम जमाना होना साबित हो मिलने के इम्कान के साथ, बुखारी मुस्लिम दोनों की शर्त है, बुखारी की जो है मिलने की शर्त है, मुस्लिम की जमाने की भी शर्त है कि मिलना मुमकिन हो एक जमाने में हो। और दूसरी बात यह कि उसके रावियों में दो बातें हों, हर रावी में दो बातें हों, एक याददाश्त के एतबार से उस हदीस का पहुंचाने वाला हर रावी, हर उसको पहुंचाने वाला उसकी याददाश्त अच्छी हो, उसकी गलतियां उसका भुलक्कड़पन याददाश्त पर गालिब ना हो, दो उसका तकवा मोतबर हो, दीनदारी के एतबार से गैर एतमादी का शिकार वो ना हो, नाकाबिल एतमाद दीनदार ना हो, गैर मुत्तकी ना हो, फासिक व फाजिर ना हो, दो बातें उसमें होना चाहिए, याददाश्त अच्छी और मुत्तकी। और दो बातें हदीस में ना हो, वो हदीस शाज ना हो, वो हदीस मुअल्लल ना हो। बाद लोगों को ये समझ में नहीं आएगा लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि इतनी मुख्तसर मजलिस में मैं पूरा समझाऊं तो समझा के भी फायदा नहीं होगा, इल्ला है कि अल्लाह चाहे, लेकिन इसको आप मजीद उलमा से रुजू करें और इसको समझने की कोशिश करें, लेकिन जो पूछने वाला इसको मैं समझता हूं जानता होगा। मुअल्लल ना हो और शाज ना हो, शाज ना हो अपने से ज्यादा मोतबर रावी के मुखालिफ रिवायत बयान न करें, अपने से ज्यादा मोतबर रावी के बिलमुकाबिल मुखालिफ रिवायत बयान न करें, या कई रावियों से कट के अलग कुछ बयान न करें, ऐसी रिवायत शाज होती है, ऐसा ना हो तो सही है। मुअल्लल ना हो, बज़ाहिर हदीस दिखाई दे रही सनद जुड़ी है लेकिन सनद जुड़ी हुई नहीं है, कुछ स्पेशलिस्ट कुछ हदीस के माहिर उसको समझ सकते हैं, ऐसी हदीस जो आम लोगों को तो सब ठीक ठाक दिखता है लेकिन स्पेशलिस्ट को दिखता है कि नहीं ठीक ठाक नहीं है, जैसे बीमार मालूल मुअल्लल मालूल एक ही होता है, बीमार मालूल अलील, बीमार जाता है डॉक्टर के पास, हाथ भी उतने ही बीमारी से पहले दो हाथ थे, एक सर है, दो आंखें, दो कान है, सब बराबर है लेकिन फिर भी क्या बीमार है, तो बीमार वो होता है जो आजा में कमी ज्यादती नहीं, बिल्कुल दोनों को खड़ा करेंगे दोनों सेम दिखाई देंगे, अच्छा और बीमार, लेकिन अभी कुछ ऐसी कमी उसके अंदर आ गई है जो हर आदमी पहचान नहीं सकता है, डॉक्टर चेकअप करके मालूम कर सकता है। यह आसानी से समझाने की कोशिश में कर रहा हूं इसको, उलमा ने ऐसा नहीं समझा है, बाद उलमा ने समझाया इस तरह से भी आसानी के लिए, तो इसको जो है मुअल्लल हदीस कहते हैं कि जो बज़ाहिर ठीक ठाक दिखाई दे लेकिन उसमें कोई ऐसा ऐब हो जो माहिर हाबित मुहादिस जो है उसको पकड़ सकता हो और पकड़ के बताए लोगों को, तो ऐसी हदीस को मुअल्लल कहते हैं। तो खुलासे कलाम ये कि जिस रिवायत की जिस हदीस की सनद मुत्तसिल हो,
اس کا ہر راوی یادداشت اور تقوی کے اعتبار سے معتبر ہو، وہ روایت شاذ نہ ہو، معلل نہ ہو، ایسی حدیث کو صحیح کہتے ہیں. اس کے سوا جتنی حدیثیں سب ضعیف ہیں. لیکن اگر ایسا ہو کہ یادداشت کے علاوہ ساری چیزیں ٹھیک ٹھیک لیکن یادداشت بہت اچھی نہیں، تھوڑی اچھی ٹھیک میڈیم، ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ حسن. کہ راوی یادداشت کے اعتبار سے کبھی کبھی بھولنے والا ہو تو ایسے راوی کی روایت کو حسن کہا جاتا ہے. ایک دم اعلیٰ درجے کی یادداشت اس کو صحیح کہتے ہیں. ٹھیک ہے یادداشت، ٹھیک ہے اس کی، ایسی روایت کو کیا بولتے ہیں؟ حسن. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں.